दिल्ली में बेबी केयर सेंटर की घटना को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। सत्येंद्र जैन और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की भूमिका को संदिग्ध बताया है। राजधानी दिल्ली में स्थित विवेक विहार में बेबी केयर में हुई घटना ने सभी को हैरत में डाल दिया है। मामले में नई गुत्थी सामने आई। आरोप है कि दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में महज 5 बच्चों की क्षमता वाले अस्पताल में 25 से 30 बच्चों का इलाज किया जा रहा था। बेबी केयर अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च को ही खत्म हो गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने लापरवाही बरती तो वहीं बीजेपी ने भी घेराव शुरू कर दिया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अस्पताल को केवल 5 बच्चों की देखभाल योग्य पाया गया था, लेकिन तब डॉक्टर आर.एन. दास ने अस्पताल मालिक के आवेदन के आधार पर बिना जांच 10 बच्चों के इलाज की क्षमता स्वीकृत कर दी। कि जिस हॉस्पिटल को 5 बेड की अनुमति मिली थी, तब उस समय के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट नर्सिंग होम आर.एन. दास, उन्होंने उसको 10 बेड की अनुमति कैसे दे दी? और ये आर.एन. दास कोई मामूली आदमी नहीं है, आज हेल्थ मिनिस्टर के ओएसडी हैं। लगातार जितने भी नर्सिंग होम या इस तरह के जहां अनियमितताएं हो रही हैं, उसकी अप्रूवल आर.एन. दास आज भी देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस हॉस्पिटल को पहले रिफ्यूज कर दिया गया 15/3/2021 में, लेकिन आर.एन. दास लगातार लगे रहे कि किसी तरह से इसको अप्रूवल मिल जाए, और उसी 21 में 9वें महीने में जाके इसको अप्रूवल देते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर आर.एन. दास 2021 के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से लेकर वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के बेहद नजदीकी रहे हैं। इस अस्पताल के मामले में सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज की भूमिका भी संदिग्ध है, और इन दोनों की भी अवैध रूप से अस्पताल चलाने में भूमिका की जाँच जरूरी है। ये आवश्यक है कि अस्पताल मालिक के साथ ही डॉक्टर आर.एन. दास पर भी मिलीभगत और लापरवाही का मामला दर्ज हो और उनकी भी जाँच और गिरफ्तारी हो। आपका ओएसडी आर.एन. दास और आप और पूरा प्रशासन अरविंद केजरीवाल इस हत्या के जिम्मेदार हैं। कैसे आप बच सकते हैं जी? 7 मासूम बच्चे, 10-10, 15-15 दिन के बच्चे झुलस के मर जाते हैं, और जिस हॉस्पिटल को 5 बेड की वो थी अनुमति, उसको 10 बेड बढ़ा के दिया, और जबकि जानकारी में यह आया कि 12 बच्चे वहां से निकाले गए, जिसमें से 5 अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अनुमति 5 की थी, आपने 10 की कर दी, तो 12 क्या कर रहे थे? और जाने कितने बच्चे थे वहां पर, जिसका कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ी साजिश है। दिल्ली के बच्चों की हत्या के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और इनका भ्रष्ट प्रशासन है। बहरहाल, अस्पताल के मामले में सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज की भूमिका को बीजेपी ने संदिग्ध बताया है। अस्पताल मालिक के साथ ही डॉक्टर आर.एन. दास पर भी मिलीभगत और लापरवाही का मामला दर्ज हो, साथ ही उनकी भी जांच और गिरफ्तारी की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।